नमस्कार, किरण्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बादाम मिल्क। आइए देखते हैं बादाम मिल्क को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। चीनी, बादाम, बादाम आप भिगा लें, इस तरीके से भीगे हुए बादाम ले लें 10-15, और बर्फ़ 10-12 क्यूब बर्फ़ के ले लें, और 250 ग्राम दूध ले लें। दूध में आप थोड़ा चुटकी भर केसर डाल दें ताकि इसमें भीग जाए केसर अच्छी तरीके से। केसर वाला दूध ले लें 250 ग्राम। ये बादाम हमने 3-4 घंटे भिगो लिए हैं। अब आप इनका छिलका उतार लें बाहर का, इस तरीके से इसका छिलके को उतार लें अच्छी तरीके से। इस तरीके से सारे बादामों के छिलके आप उतार लें। बादाम को हमने इस तरीके से छील लिया है, छिलका इनका उतार लें बिल्कुल। अब हम इनको मिक्सी करेंगे। बादाम को आप मिक्सी में डाल लें। और इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दें, छोटा चम्मच। और ये दूध ले लिया हमने 1 कप, इसमें हमने केसर मिलाया हुआ है, इसको इसमें डाल दें। अब हम इसको मिक्सी करेंगे। मिक्सी को बंद कर दें और इसे खोल के देख लेंगे। बादाम मिल्क बनकर तैयार है। हम इनको ग्लास में डालेंगे। अब हम इसमें बर्फ़ डाल लेंगे, इस तरीके से बर्फ़ डाल लें। और बादाम, बादाम को आप इस तरीके से बारीक काट लें, थोड़ा इसमें ऊपर से हम इसमें बादाम डालेंगे। ये बादाम आप सूखे हुए काटें, भीगे हुए ना काटें। अभी हमारा बादाम मिल्क बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही पौष्टिक होता है, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, ख़ास तौर पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आप दूध में डालकर बादाम ज़रूर बच्चों को पिलाएं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण्स रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।